अगर तुमने मेरी जैसी शॉट ना मारी तो रोटी तुम खिला रही हो आज, तुम्हें पता ना इस बात का। मैं तो मैं ही खिला रही हूं। मारो घुमा के ना पीछे डंडा, ये वाली दिख गई। हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है? आज का दिन है बड़ा स्पेशल, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ फाइनली टॉप गोल्फ खेलने। और बड़े लोगों ने मुझे पहले कहा था कि टॉप गोल्फ पे मूसा भाई एक ब्लॉग बनाओ, तो टॉप गोल्फ में अपनी दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ, जिसको मैं पिछले ब्लॉग में भी इंट्रोड्यूस किया था, वो ईदगाह वाले ब्लॉग में। कॉन्टेक्स्ट के लिए जिन लोगों को नहीं पता, टॉप गोल्फ इज बेसिकली एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, चार फ्लोर की। हर फ्लोर पे ना गोल्फ की स्टिक्स लेके लोग खड़े होते हैं, ठीक है। आगे पूरा पार्क होता है, पूरा ग्राउंड होता है, वहां से बस गोल्फ की स्टिक पकड़ते हो, बॉल पकड़ते हो, तो आप छक्के मारते हो ग्राउंड के अंदर और देखते हो कितनी दूर जा रही है। अभी मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वहां पे जब जाऊंगा ना दिखाऊंगा तब आपको एक्चुअली पता चलेगा चीज है क्या। तो विदाउट फर्दर डू चलते हैं, टाइम बहुत लेट हो रहा है, मैंने 2 बजे पहुंचना था, 1:30 बज गए हैं, तो आधे घंटे का तो सफर ही है। सीन ये है कि धूप इस वक्त निकली है फुल टाइम हैवी किस्म की, लेकिन टॉप गोल्फ की जगह की ना एक अच्छी बात है कि ऊपर ना शेड लगाओ तो ऑब्वियसली, क्योंकि ना फ्लोर ओवर फ्लोर है, आप आराम से खेल सकते हो, चाहे धूप हो चाहे रात हो चाहे दिन हो या शाम हो, बारिश में भी एक्चुअली आप टॉप गोल्फ खेल सकते हो क्योंकि आप बिल्डिंग के अंदर होते हो। वेरी फन एक्टिविटी टू डू। तो बड़ा अरसा हो गया था मैंने नहीं की थी, पिछले साल की थी मैंने, मुझे याद है, तो मैंने कहा दोबारा चलते हैं, अपने स्किल्स देखते हैं। एनीवेज गर्मी निकली है तो मैंने कहा शेड लगा लूं। यार कुछ लोग मुझे ये पूछ ही जाते हैं मैंने शेड्स लिए कहां से लिए हैं, बड़े कूल शेड्स हैं। भाई पहली बात तो ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हैं, तो ये मतलब नजर की मेरी ऐनक है, लेकिन शेड की फॉर्म में मैंने पाकिस्तान में किसी रैंडम दुकान से जाके ली थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी दुकान थी और उस बॉय ने ना मतलब मुझे 3-4 ऐनक के बना दी थी, तो उसमें से एक मैंने ये वाली बनवा ली थी। तो आप भी किसी दुकान में जाओगे ना, उनको कहना है प्राडा के शेड्स चाहिए मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस ना, तो वो आपको बना के दे देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। और आप वो ले शेड्स बनवाना जो आप पे अच्छे लगे, आप पे कूल लगे, मुझ पे ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए, बस बात खत्म, क्या कर सकते हैं। Few moments later. तो आ गए हैं हम टॉप गोल्फ, जैसे आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है जिसकी मैं बात कर रहा था और वो जो लेवल्स बने हुए ना दो, वहाँ पे लोग खड़े होकर छक्के मारते हैं, तो अल्लाह करे हमें कोई स्पॉट मिल जाए, लग तो रहा है कि फुल हुआ है इस वक्त। आई थिंक वो भी यहाँ पे आ गई होगी, तो पार्किंग कर लें जरा। मैंने उसे अभी कॉल किया और वो कह रही है मैं 10 मिनट तक आ रही हूँ, तो आई थिंक वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। तब तक आप ये देखें यार, उधर पीछे टॉप गोल्फ है, यहाँ पे मिनी गोल्फ भी है, इतना प्यारा सेट है यार मिनी गोल्फ का, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। बंदा तो यहाँ पे आके मिनी गोल्फ भी खेल सकता है, मिनी गोल्फ पार्क होता है लाहौर में, वहाँ पे जाके खेलता था। तो आप देख रहे हो जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, ये आपको लोग नजर आ रहे हैं। जब तक वो आ रही है ना तब तक मैं ना अंदर वो करा लेता हूँ, बुक करा लेता हूँ एक ना स्पॉट अपने लिए, क्योंकि वेट लिस्ट भी होती है अक्सर ना। Spot anywhere if you have one. Thank you. हाँ भाई, तो हमें नीचे वाला स्पॉट मिल गया और हमारा स्पॉट है 114. मेरी दुआ तो ये थी कि ऊपर वाला स्पॉट मिल जाए, लेकिन नीचे वाला स्पॉट मिल गया, कोई नहीं, नीचे वाला स्पॉट भी खैर ही है, आज यहीं पे छक्के मारते हैं। बहुत ज्यादा लोग आए हैं इस वक्त और हमारा स्पॉट है बिल्कुल एंड पे जाके, ये हमारा स्पॉट है 114 और ये सामने हमने मारने छक्के। ये सारी गोल्फ क्लब्स लगी हैं जो भी आपको पसंद है, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगी ये। भाई पूरा दिन हो गया अभी तक ट्रैफिक में फंसी हुई, तो देखते हैं कब तक आएगी, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो सोचो मैं खुद ही खेलना शुरू हो जाऊँ। गुड आफ्टरनून, या हे यो, नो आई एम किडिंग, कैन आई गेट टू डाइट कोक्स बाय एनी चांस? या समवन एल्स कमिंग, या शी इज, कैन आई गेट अ कार्ड ऑन फाइल एज़ वेल? या व्हाट इफ यू रन अवे विद इट? आई मीन ट्राई टू कैच मी। थैंक यू। तुम आ ही गई फाइनली। तुम देख कितना वेट कराया मुझे, मैं तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो मैं दिखा नहीं सकता, फिर आ जाएगी तुम इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट। पकड़ दो एक सेकंड, ये इसकी तरफ ना दिखाना, मेरी तरफ दिखाना, मैं बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। या इतना मेरे साथ अजीब हुआ, मैं ना कब से एक लाइन में खड़ी हूँ 5 मिनट से, ठीक है, और ना मैं देख रही हूँ आगे से सारी बोल दो मैं काट दूँ। हाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अच्छा मैंने कहा कोई नहीं, ये भी चल जाएगी और मैं देखी। We do not care. पहले ना नॉर्मल गेम खेलें कि जहाँ पे बस तुमने मारना है, एंग्री बर्ड्स वाली बात नहीं, फजूल है ये, पहले ये खेलते हैं नॉर्मल वाली। इसमें तुम जितना दूर हो सके ना मारना, अगर ये जो तुम सर्कल्स देख रही हो ना जो तुम्हें वो आगे भी नजर आ रहे हैं, अगर तुम उनके अंदर गिराओगे ना तुम्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो तुम इसे जीत नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दिया। चलो जी प्ले गेम शुरू हो गया। बॉल नंबर 1 फिजा, बॉल नंबर 1 तुम्हारी पहली बारी है, मारो। यहाँ से कोई क्लब उठाओ, अपने से छोटा उठाना, ठीक है। ये देखो ये वाला सही है, चलो ये सही है। तुमने अब क्या करना है, इसको यहाँ पे स्कैन करना है अपना डंडा, उसके ऊपर ना रेड लाइट के ऊपर यूं करके। तुमने तो कहा था मैं तो आई हुई हूँ यहाँ पे, तुम आगे मारो, आगे मैं पीछे हो गई, तुम्हें धमाके करने लियो, मारो मारो।
वो बॉल उधर है। ओए होए 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 क्या बात है, ये अच्छी मारी है शॉट फॉर फर्स्ट टाइम। गई? गई है। नहीं मुझे नजर ही नहीं आई। वो उधर गई है उड़ के। अगर तुमने मेरी जैसी शॉट ना मारी हो तो रोटी तुम खिला रही हो आज, तुम्हें पता ना इस बात का। मतलब मैं ही खिला रही हूं। अरे घुमा के ना पीछे डंडा, ये बॉल ही दिख गई। मैं तुम्हारा एस्थेटिक शॉट लेता हूँ, ये लो मारो जरा। नहीं नहीं तुम मार लोगी, पीछे से घुमाना है डंडा, ठीक है मेरे मुंह पे ना मार देना। ये क्या बात है, क्या बात है। वो बॉल वो बादलों में गई है उड़ के, मैंने देख लिया। बनाओ जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रो कैसे खेलता है। वाओ, मैंने पहले कहा था ऊपर लगेगा, फिर से डर लगा तो मुझे ही मार दोगे पकड़ के। बस यही मेरा प्लान है, आज तुम्हें उड़ा देना मैंने। ये तो स्टेडियम से बाहर हो गई। अरे ये तो मूसा है। हाँ ये तो मूसा है। वार्म अप हो गया, अब तुम देखना। अब हम अच्छे वाली शॉट्स की ना, वो अभी मैं सिनेमैटिक्स बनाने हैं थोड़ी देर में। तुम अपनी वो सस्ती शॉट खेल लो जल्दी से। यही से पीछे से मार। ओए भाई गलत जगह पे लग जाएगा। वे, वे, वे। यारे मेरे कोक में मक्खी गिर गई। और फिजा तुम मेरे कोक में गिर गई। अगर मक्खी गिरी हो ना तो दोबारा एक में तो डिप कर दो और फिर निकालो। क्यों? कहते हैं एक पर उसका जहरीला होता है, एक सही होता है। तो अगर एक पर मतलब पहले जहरीला वाला गया तो दोबारा डिप करो तो सही वाला मतलब खत्म हो जाएगा इफेक्ट और फिर निकालो। मेरे ज्यादा स्कोर है तुमसे। क्या है ओ भाई, ये मैंने तुम्हें दिया आधा स्कोर। तुमने 3 पॉइंट किए थे, 3 पॉइंट मैंने तुम्हें दिए, तो 3 पॉइंट मेरी तरफ आए थे। क्या मतलब है, कुछ नहीं खिला रहा तुम्हें। ये देखो मेरे हाथ पे दिखाओ जरा। अब ये बहाने, ये देखो मैं इसलिए नहीं अच्छा खेल पा रहा। ये देखो और ये देखो मेरे हाथ चल गए, इसलिए मैं इसे खेला नहीं जा रहा। बैंडेज अंदर। ओए होए होए क्या बात है यार, बच्चे वाला लगाओ। हैं बच्चे वाला लगाती हूं यार, जो काम करे वो लगाओ ना, क्या ड्रामे है। हम बता के मत कर लो, कर दिए। चल ये भी सही है यार, ये क्या लगा दी है यार। नहीं ले आई वैसे तो, मैं सही इतना खेल सकता हूं। अभी अगर सही शॉट नहीं लगाना लगेगा तो इट्स यू नॉट एनीथिंग एल्स। I've been going jeans cause I'm cool, right? Checking from my fan like a fantastic. I was broke as hell, sleeping on the mattress. Don't feel like a hell when nobody had it. Hot shells jumping out, they send me automatic. Put it up by the color, got a new edit. Top golf तो चलती रहेगी, मुझे बताओ कि तुम्हें कितने रिश्ते आए थे उस वीडियो के बाद। तुमसे संभल के रहने के बहुत ज्यादा टिप्स आए हैं। अच्छा मूसा भाई बहुत ठरकी है। अच्छा दिखाओ कोई है। हाँ जी जी देखो, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? मैंने आपको मूसा खाना के ब्लॉग में देखा जो बहुत बड़ा ठरकी है। अब आपके साथ जो ब्लॉग किया है इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट, और जब वली भाई के साथ यह खिला था तो 5-10 मिनट करता है। प्लीज बहुत तेज है मूसा भाई, आई एम जस्ट जोकिंग, प्लीज डोंट माइंड। नेक्स्ट टाइम वली भाई आए तुमने 20 मिनट का ब्लॉग डाल दिया ना तो ये प्रूव हो जाएगी थ्योरीज की। मजे की बात है, इसकी थ्योरी अभी गलत हो गई। मैंने कल वाला ब्लॉग जो डाला है वो 18.5 मिनट का सारा अकेला डाला। क्या पता जान के किया हो ये भी है इसके कहने के बाद। मैं बहुत ठरकी हूँ, भाग जाओ यहाँ से, मैं भी बता रहा हूँ, भाग जाओ मेरे से, दूर हो जाओ जा रही है। हाँ भाई तो सीन ये, हम टॉप गोल से फारिग हो गए थे, फिर सोचा कुछ खाने को चले जाएं, तो हमने सोचा कि चाइनीज जगह पे आ जाते हैं। चाइनीज जगह ये वही वाली है हुनान बिस्तरों, जहाँ पे मैं पहले भी वली भाई के साथ आया हूँ। तो मैंने कहा जरा इसको भी खिलाते हैं, जगह बड़ी मजे की है। इनकी जो वही वाली बीफ डिश है ना, बड़ा अरसा हो गया खाए हुए। आ जाओ तुम्हें खत लिख के दूं। देखा ही नहीं। जगह अच्छी है काफी ज्यादा ना। इनकी एक है वो डिश बड़ी मजे की बीफ वाली, खा के क्रेजी हो जाओगी। Table for two, please. Can we get 2 Diet Cokes, please? 2 Diet Cokes. Yeah. पता है ये जगह इतनी चीनी, इतने यहाँ पे मतलब इतनी चाइनीज है जगह की, यहाँ पे ना इनको इंग्लिश भी नहीं आती बोलने। हाँ देख लो तुम, ये मेन्यू खोलो जरा, अंदर चाइनीज में लिखा हुआ है। तो इसलिए तुम्हें मेरे जैसे बंदे की जरूरत है, मुझे चाइनीज पढ़ने नहीं आगे लिखा हुआ है। नहीं नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती, डोंट वरी। तुम क्या 2 साल चाइना में गुजार के आए हो जो तुम्हें चाइनीज आती है? सो फनी। तुम तो ये मंगवाओ सॉर्टेड फ्रॉग, तुम्हें खाने का दिल नहीं आज मुझे। देखो ना ग्रीन पहना हुआ तो फ्रॉग, इट्स नॉट दैट ग्रीन, लेम जस्ट। फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये तुम खाओगी ना तुम्हारी आंखें खुद ही ऊपर चली जाएंगी। तुम चाहते हो मेरे में जिन्ना से जो ऊपर चली जाए। ये मेरा जादू भी है ना, जिस तरह मुझे देख के लोग आंखें ऊपर चली जाती हैं। नहीं वो आईज रोल होते हैं। आईज। अच्छा ज्यादा बातें ना करो, खाओ तो सही ना। ये मैं बताऊं तो बेसिक है। व्हाट? क्या? व्हाट द फक?
यार ये बेसिक है, बातें सुनो जरा। इससे अच्छी चीज मैंने जिंदगी में नहीं कभी खाई। रिव्यू टाइम, मुझे तो वैसी पसंद है। ओह हां, 8 आउट ऑफ 10। What kind of meat? घंटा लगा कर ऑर्डर किया तुमने, उसको घुमाई जा रहा है बस स्टार्टर्स पे पहले, ऊपर से सूप सूप पीना, मुझे इतनी गर्मी में सूप पीना। उसको इंग्लिश से खा रहा था तो मैं पता नहीं इस बात का। आई थिंक शी लाइक्स मी। चैनल को कर दे सब्सक्राइब इफ यू थिंक शी लाइक्स मी।